हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लेते हैं और इसे हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं और उसके ऊपर हम एक बोर्ड लगा लेते हैं और उस बोर्ड के ऊपर छोटे छोटे कंपास रख देते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रेट थिक कॉपर वायर ली और उसे वर्टिकली एक होल से गुजारा एक कार्डबोर्ड के पीस में से और छोटी छोटी कंपासेस उसके आसपास रख दी। अब आप इसका क्लोजअप देख सकते हैं, इस वक्त करंट इसमें से नहीं गुजरा। जब करंट नहीं गुजरा तो जितने भी कंपासेस हैं वो सब अपने नॉर्थ टू साउथ पॉइंट कर रही हैं। अब हम क्या करते हैं, इस वायर में से करंट को पास करते हैं। अब देखें, जैसे ही वायर में से करंट पास होना शुरू हुआ, तमाम कंपासेस ने अपनी जो पोजीशन थी चेंज कर ली। हम क्या करते हैं, करंट को फिर स्टॉप कर देते हैं। आप देखें, करंट स्टॉप हो गया और कंपासेस जो हैं वो अपनी नेचुरल पोजीशन पर वापस आ गई हैं। इसका मतलब है कि जब हमने करंट वायर में से गुजारा तो कंपासेस, कंपास क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड।